मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी की तस्दीक कर दी। दूसरे शौहर इकबाल हुसैन को मद्दाहों से भी मिलवा दिया। इकबाल हुसैन कौन है, दोनों ने बड़ी उम्र में शादी करने से मुतालिक कैसे फैसला किया, आइए आपको बताते हैं। नाजरीन, बुशरा अंसारी ने इकबाल अंसारी से पहली शादी की थी, जो कि पेशे के एतबार से प्रोड्यूसर हैं। दोनों की दो बेटियां नरेमान और मीरा अंसारी हैं। बुशरा अंसारी ने 1978 में इकबाल अंसारी से पहली शादी की थी, जिसके 36 साल बाद उन्होंने तलाक ले ली। बुशरा अंसारी तलाक होने के बाद खामोश रहीं और अलैदगी से मुतालिक काफी अरसे तक कोई बात नहीं की। बुशरा अंसारी ने 2020 में अपनी तलाक पर खुलकर गुफ्तगू की, 2023 में अपनी दूसरी शादी की तस्दीक की, लेकिन उस वक्त भी ये नहीं बताया था कि उनकी शादी किससे हुई। हाल ही में बुशरा अंसारी ने YouTube वीलॉग में दूसरी शादी की तस्दीक की है और शौहर के हमरा एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि इकबाल हुसैन से मुलाकात कैसे हुई और दूसरी शादी के लिए खुद को कैसे मनाया। बड़ी उम्र में शादी करने से मुतालिक भी तफसील से बात की। आगे बढ़ने से पहले आपको बुशरा अंसारी के दूसरे शौहर इकबाल हुसैन के बारे में भी बताते चलें। इकबाल हुसैन मारूफ हिदायतकार और अदाकार हैं और उनकी पहली शादी मारूफ अदाकारा और मेजबान फराह हुसैन से हुई थी। फराह हुसैन को PTV से नशर होने वाले ड्रामा सीरियल बंधन से शोहरत मिली थी। इसी ड्रामे के जरिए उनकी दोस्ती साथी अदाकार इकबाल हुसैन से हुई थी, जिसके कुछ अरसे बाद दोनों ने शादी कर ली। उनके दो बेटे पैदा हुए, जिनका नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है। चंद साल बाद ही दोनों की तलाक हो गई और फराह ने एक बार साबिक शौहर का जिक्र करते हुए कहा था कि वो मेरे बच्चों के वालिद और मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियत है, जिनका मैं हमेशा एहतराम करती रहूंगी। फराह से अलहदगी के बाद इकबाल हुसैन भी कई साल तक अकेले रहे। बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन की शादी की अफवाहें 2019 में गर्दिश करती रहीं। बुशरा ने इन अफवाहों पर किसी किस्म का कोई रद्दअमल नहीं दिया था। ताहम इकबाल हुसैन ने शादी की खबरों की तर्दीद करते हुए इसे झूठ करार दिया था। और नाजरीन, बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन की पहली मुलाकात 2016 में ऑन एयर होने वाले सीरियल सीता बागड़ी की शूटिंग के दौरान हुई। बुशरा अंसारी को इकबाल हुसैन की जानिब से शादी की पेशकश के बाद सोचने के लिए काफी वक्त लगा। दोनों के मुश्तरका दोस्तों ने शादी कराने में अहम किरदार अदा किया, जिनमें अदाकारा रुबीना अशरफ और बहरोज सब्जवारी शामिल हैं। बुशरा अंसारी के मुताबिक तलाक होने के बाद भी उन्होंने इस बात का जिक्र खुलकर नहीं किया। तलाक को कबूल करने के लिए 1.5 साल का अरसा लगा। इसी तरह दूसरी शादी करने से मुतालिक फैसला करने में भी उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त लिया। बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन ने वीलॉग में खसूसी तौर पर इस मामले पर भी बात की कि अगर किसी की तलाक हो जाए या उसके साथी का इंतकाल हो जाए तो अक्सर बच्चे अपने वालिद की शादी तो करवा देते हैं, लेकिन वालिदा की नहीं करवाते। खातून को भी जिंदगी जीने का उतना ही हक है। अगर जिंदगी में मुखलिस साथी मिले तो उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। नाजरीन, बुशरा अंसारी अपने दूसरे शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी तो गुजार ही रही हैं, साथ ही उन्होंने मद्दाहों को भी ये पैगाम दिया कि मर्द के साथ साथ औरत का भी बड़ी उम्र में दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं। अगर दूसरी शादी खुद से छोटी उम्र के मर्द से की जाए तो भी इसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के दो मारूफ स्टार्स अदाकारा समीना अहमद और मंजर सहबाई ने भी बड़ी उम्र में शादी करके सबको हैरान कर दिया था। दोनों ने 70 बरस की उम्र में शादी करते हुए पैगाम दिया कि एक नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती।